सो है गाइस, मेरी चौथी ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। तो आज अभी हमारे रूम के सब मेंबर हम चार जन मिलकर जा रहे हैं देखने के लिए फिल्म ब्लैक एडम, जो आई है ड्वेन जॉनसन रॉक की डीसी में। अभी देखेंगे, अभी बाद में क्या क्या होता है, इस बीच में क्या होता है, आप सभी को मैं बताऊंगा, तो मेरे साथ रहिए। और अभी मेरे वीडियो आई थी जो यूके की पीएम अभी रिजाइन किए है लीज ट्रस, उसके बारे में आई थी मेन चैनल में। मेन चैनल का नाम भी मैंने चेंज कर दिया, जो रोस्टर चेयर था अभी उसका नाम मैंने ऐसे ही मुझे अच्छा लगा मैं रख लिया कि यू टाइप। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, मैं दिखाऊँगा पूरा फिल्म कैसा है क्या है, और आप सभी को बताऊँगा, हम सब बात करेंगे और आपको बताएँगे फिल्म कैसा है। तो स्टे ट्यून विथ अस गाइस। अभी हम पहुँच चुके हैं अभी रुक्मिणी हॉल के पास। ये लगा है, आप लोग देख सकते हो, ब्लैक एडम रुक्मिणी नियर रामलिंगेश्वर पार्क। गाइस अभी हुआ था इंटरवल, अभी आर चल रहा है श्री अन्नमेंट बरमपुर सैन बाजार बड़ासाई पिन 7 6 100 100। तो बने रहिए हमारे साथ, अभी उसके बाद इंटरवल के बाद हम बताते हैं क्या होता है। गाइस हम आए थे फिल्म देख लें, लेकिन इधर एक टाइगर दिखा हमें, नहीं चूतिया भागा रहा हूँ बस। गाइस अभी हुई फिल्म ख़त्म, अब हम जा रहे हैं रूम और मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ फिल्म में, और एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बताऊंगा, जो देखा है फिल्म शायद उसे पता होगा, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखना, एक मतलब बहुत ही अच्छा इधर सीन हुआ, मैं आपको बताऊंगा फिल्म में क्या हुआ, पूरा लास्ट में हुआ, अगर आओगे तो देख लेना, नहीं तो मैं आपको बता ही दूँगा। अभी इनको चल रहा है अभी फोटोशूट, अगली बार आएंगे डायरेक्ट राम सेतु देखने। गाइस अभी हम जा रहे हैं अपने रूम के, और ये हमारे पीछे हैं जो अमय भाई, वो आयरिश जमाई, और वो दोनों एक ब्लैक वाला मेरे भांजा, वो मेरा बड़ा बेटा। अब हम जाएंगे रूम, आपको सब कुछ बताएंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। देख लो नज़ारा, कोई नहीं है दूर दूर तक, बस हम चार ही जा रहे हैं, अनजान नहीं, जानते हैं इसे, जाएंगे आपको पूरी जानकारी देंगे फिल्म की क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ज़्यादा स्पॉइलर नहीं देंगे, नहीं तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा खुद देखने के लिए, तो जाओ खुद आके देखो, हम बताएंगे। डांस डांस रे भाई यार, वो दोनों जगजीवन क्या भाई क्यों, हाँ अरे बुआ उसका ना, वो आज सुबह वो गया था रनिंग करने, उसका आर्मी का भर्ती है वो वाइट वाला, तो आज सुबह वो गया था रनिंग करने के लिए, बहन से उसके पैर में चोट आई है, तो वो आज सुबह एक्सरे निकालने भी गया था, तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ थोड़ी बहुत चोट आई है, देखते हैं उसका रली है आर्मी का आगे क्या होता है। रूम को जाके हम आपको बताएंगे, बस देखो कमेंट में एक बात बताना कि आपको ना, आप हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हो, वीडियो व्यूज़ थोड़ा बहुत आता है, लेकिन जो मेरा कंटेंट है वहाँ पर ना, वो मुझे थोड़ा ऐसे एल्गोरिथम दिखा रहा था कि अप्रॉक्स 60% लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को। हाँ सब्सक्राइब नहीं करना मत करो भाई, अगर कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम अच्छे कंटेंट बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, रोका रहा है तो रुकना पड़ेगा सर, तो कोई बात नहीं, अगर कंटेंट में कुछ दिक्कत आ रही है, ब्लॉग में कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप बताएं हमें, हम कैसे कंटेंट बना सकते हैं, अपने कंटेंट को कैसे बेहतर बना सकते हैं। देखो बात है, हम उड़ीसा से हैं तो हिंदी बोलने में अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में बताएं कि भाई ऐसा ऐसा वैसा हो रहा है, तू थोड़ा अच्छा बना सकता है अभी, तो मुझे बताओ मैं क्या अच्छा बना सकता हूँ और अच्छा बना सकता हूँ। और फिर बात ये है कि कमेंट में ना
मतलब वीडियो में ना कमेंट देते रहो यार, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मतलब तुम बना मतलब दोगे तो ऐसा है ना, मुझे थोड़ा फील होगा कि हाँ यार वीडियो लोग देख रहे हैं, कुछ अपने बता रहे हैं कि सजेशन दे रहे हैं क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। आप बताओ उस, आप जैसे बताओ कि उसके माध्यम से मैं कुछ नया बनाना चाहूँगा। अगर आपको कंटेंट मेरा पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो अगर चाहो तो आपकी मर्जी। बाकी मैं मिलता हूँ आपको रूम में। तो अभी अभी हम देख के आए हैं फिल्म ब्लैक एडम, इधर इनका चल रहा है BGM एडम। तो जैसा कि है कि मैं आपको बताने वाला था कि हाँ फिल्म अभी हम देख के आए हैं, अभी सो भी बाहर है शायद बालकनी में, अभी भांजी तो इधर बैठ के खेल रहे हैं अभी। तो ऐसा है कि फिल्म के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो फिल्म एकदम मतलब जो टपोरी में बोलते हैं ना, एकदम रावस है, मतलब काटा है, एकदम पूरा काटा है। फिल्म की एक चीज़ बहुत वीड लगेगी कि वो ना, हाँ बात मुझे बाद में समझ में आया कि वो 5-10 साल पुराना के आदमी है तो उसको समझ में नहीं आता, मतलब ब्लैक एडम जो रॉक होता है। और ऐसा होता है कि वो ना दीवार तोड़ के आ गया, फिर वह मतलब घर में दरवाजा होता है लेकिन वो हमेशा दीवार तोड़ के आता है, एक ही घर को बार बार चारों तरफ से दीवार तोड़ तोड़ के आ रहा है। ये चीज़ मुझे थोड़ा वीड लगा। बाकी देखो अगर आपको आप रॉक के फैन हो, मैं भी फैन हूँ, बात है कि रॉक ने एक्टिंग थोड़ा कम करता है, सबको पता है वो तो एक एक्शन हीरो है, तो इसलिए इस फिल्म में ना एक्टिंग को इग्नोर करो, एक्टिंग को इग्नोर करो, उन्हें उसका एक्शन देख लो। वो जो हिंदी में डबिंग करने के बाद जो हिंदी में वर्ड थोड़ा मतलब अच्छे अच्छे लगते हैं और मजाक लगता है। वीएफएक्स भी आपको पता है हॉलीवुड के वीएफएक्स कैसे होते हैं और कैसे कैसे वो स्क्रीन प्ले करते हैं। इसमें ना जो स्क्रीन प्ले हुआ है, जो मतलब हर बार जो स्क्रीन को काटा है, मतलब हर तरीके से, मतलब पूरे बारी बारी से जो काटा है वो बहुत ही अच्छा था। स्क्रीन का साउंड बहुत ही अच्छा था और शुरू होते ही वो एक मतलब ताज क्राउन के पीछे पड़े होते हैं, तो फिर उनको वो क्राउन मिलता है। वो क्राउन ऐसा होता है कि स्पॉइलर दे दूँ क्या? नहीं नहीं स्पॉइलर देना अच्छा नहीं है, बस यही समझ लो कि हाँ ये एक ताकतवर और गुस्से वाला होता है, और एक करेक्टर होता है जो फ्यूचर देख लेता है। हाँ और एक कैरेक्टर होता है वो फाल्कन वाला, वो पक्षीराज जैसा, और एक होता है मतलब तुम अगर कंपेयर करोगे ना तो मार्वल के साथ थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत फिट आएगा। मुझे तो ऐसा लगा कि वो जो फाल्कन का जो वो जो ड्रेस कोड था वो तो थॉर लॉव थंडर में वो उसका भी ड्रेस कोड सेम ही था। और एक बड़ा आदमी था उसका नाम मुझे याद नहीं, मतलब वो यंग था लेकिन उसका जो कैरेक्टर था वो एंट मैन जैसा था कि वो बड़ा हो जाता था, और उसका ड्रेस कोड जो था इधर बीच में शक्तिमान होता है और उसका फेस में वो डेडपुल का मास्क जैसा ऐसा होता है। और एक होता है हवा उसका कैरेक्टर होता है, वो लड़की होती है। फिर वो क्राउन के लिए लड़ते हैं, फिर ब्लैक एडम आता है। ब्लैक एडम एक गुस्सा आदमी होता है, उसको उसके बच्चे और परिवार को वो मतलब 5000 साल पहले लोग मार देते हैं, उसका बदला वो लेने आता है। वो राजा उसके परिवार को पूरा ख़त्म करता है, वो क्राउन को लेता है। और जो सबसे अच्छी और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो लास्ट में आते हैं, लास्ट में ऐसा होता है कि अगर तुम लोग वो देखे होगे सुसाइड स्क्वाड या जस्टिस लीग, इधर वो बुढ़िया होता है, वो ना सबसे पावरफुल होता है, वो सारे विलेन और हीरो को वो बंदी बना के रखता है, वो सबको एक टास्क देता है, अगर वो पूरा नहीं किए तो उन्हें मार देता है, ऐसा कुछ होता है। वो बुढ़िया लास्ट को आके रॉक को बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। तो रॉक लास्ट को बोलता है कि जो ब्लैक एडम वो बोलता है कि मैं किससे नहीं डरता, और ऐसे बुढ़िया को हटा देता है वहाँ से। फिर लास्ट पूरे लास्ट में जब हॉल पूरा खाली हो जाता है, सब निकल जाते हैं, लेकिन हमें पता था क्योंकि किसी और कैरेक्टर का एंट्री होना है, और एंट्री होता है सुपरमैन का। इस अब फिल्म ख़त्म होता है। फिर
देखो अगर अभी उनका एंट्री हुआ है तो ऐसा होगा कि सेकंड पार्ट आएगा, तो सेकंड पार्ट भी हम देखने जाएंगे। अगला फिल्म हम देखने जाएंगे राम सेतु अक्षय कुमार का। अगर आप भी चाहते हैं, तुम लोग चाहते हो कि हम लोग और कोई फिल्म देख के आए, तो कमेंट में बताओ कौन सी फिल्म हम देख के आए और उसका रिव्यू आपको दें। फिल्म वेल बहुत अच्छा था, एक्टिंग चलेगा, बाकियों का एक्टिंग ठीक था रॉक के अलावा, और स्क्रीन प्ले VFX साउंड एकदम मस्त था। तो मैं इस फिल्म को 5 में से दूंगा 4 out of 5। हाँ ठीक है, इतना ही दूंगा। बाकी आप जा सकते हो, देख सकते हो, ब्रह्मपुर में लगाए वो रुक्मणी हॉल में, रामलिंगेश्वर पार्क के पास। मैं आपको हॉल की वो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कहाँ है हमारा हॉल ये, तो जाओ देखो। अगर वीडियो तुमको अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हाँ, और एक बात कमेंट करके बताओ, क्योंकि आप लोग का ना कमेंट बहुत कम आता है, और जितने भी कमेंट आते हैं मैं उन सबको हार देता हूँ, सबको रिप्लाई देता हूँ। कमेंट करो, हमें मोटिवेट करो। और आप कहाँ से हो, मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है, मैं बस ये देखना चाहता हूँ। आप कहाँ से हो, मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, बस ये मुझे कमेंट करके बताओ। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।